यहाँ पर आए, फुटफॉल क्या हुआ है और कितने लोगों को देखने को मिला है? देखिए, सुबह में 10 बजे से हमारा ये आज का जॉब मेला शुरू हुआ था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से, और जिस तरीके से हम लोगों को जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे, लगभग 3000 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन जो फुटफॉल हमारे यहाँ पे आज आया वो बहुत ज़्यादा, जो उम्मीद से ज़्यादा फुटफॉल आया हमारे यहाँ पे, लगभग 7-1000 फुटफॉल आया। कुल मिला के हमारे यहाँ पे 10 से 10.5 हज़ार लोगों ने आज यहाँ पे इंटरव्यू दिया है, और आज इंटरव्यू के माध्यम से कम 8 से 8.5 हज़ार लोगों ने यहाँ पे आज जॉब का फॉर्म लेके गए हैं। वो अभी जिस जिस कंपनी में वो जाएंगे वहाँ पे वो अपना आगे इंटरव्यू देके अपनी जॉब को तय करेंगे। मैं उन तमाम कैंडिडेट्स को बधाई देता हूँ जो आज यहाँ पे आए और हमारे इस जॉब मेला को कामयाब किए। अल्लाह ताला से यही मैं उम्मीद कर दुआ करता हूँ कि इन सारे कैंडिडेट जो भी आज यहाँ पे आए थे उनकी जॉब फिक्स हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर एक कदम आगे बढ़े, बेहतर ज़िंदगी की तरफ बढ़े। वो मेरा नाम अमीना सैयद है और मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज का जो मैंने यहाँ का ये देखी खुशनुमा मंज़र और जो आज का यहाँ मैंने किलेदार में जो मेला देखी, ये सारा सहरा रईस शेख के सर पे जाता है। आज तक 25 साल में किसी ने इन बच्चों के बारे में नहीं सोचा, जो बच्चों के माँ बाप बच्चों को बड़े प्यार से पालते हैं, पोसते हैं, जवान करते हैं, और जब उनके हाथ में डिग्री आती है तो वो दर दर और घर घर जाते हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती। लेकिन आज जो रईस लश्करिया भाई ने जो आज ये इत्माम किया नौकरी का और बच्चों को एक हौसला अफजाई मिली, नौकरी मिलने की अफजाई मिली, उनको हौसला अफजाई मिली, मैं इसके लिए रईस शेख लश्करिया को, मैं उनको रईस लश्करिया को दिले तहे से मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। जनता की सेवा के लिए वो आगे आए हैं तो अल्लाह ताला उनको इस मकसद में कामयाब करे और उनको आगे भी जो है अल्लाह ताला उनको कामयाबी का सहरा पिनाए। ये मैं अमीना सैयद तहे दिल से उनके हक में दुआ करती हूँ। इन्होंने पूरा बोल ही दिया है, मैं सिर्फ थोड़ा ही बोलूँगी। जो जॉब मेला जो रखा है रईस भाई ने जो जॉब मेला रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा उनका। और जो हमने सुने थे एक महीने से जानते हैं रईस भाई को, उससे मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है और हम चाहेंगे कि वर्सोवा विधानसभा से उनकी जीत हो और हम सब उनके साथ हों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आज जोगेश्वरी में जॉब मेला मुनक्किद किया गया। जॉब मेले की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस मुल्क में और ख़ासतौर से हमारे मुंबई में जहाँ 10,000 से ज़्यादा कंपनियाँ बंद कर दी गई योगी मोदी के दौर में, तो यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, नौजवान बेरोज़गार है, वो छोटी मोटी डिग्रियाँ नहीं बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर बेरोज़गार घूम रहे हैं। ऐसी सूरत में वो कंपनियाँ जिनके पास कुछ थोड़ी बहुत गुंजाइश निकल सकती है उनसे मजलिस के सदर जनाब रईस लश्करिया साहब ने कॉन्टेक्ट किया और उनको मदु किया कि आप आइए, यहाँ पर लोगों को ज़रूरत है आप कंपनी वालों की, और यहाँ जो लोग बेरोज़गार हैं जिनको जॉब की ज़रूरत है, जो पढ़े लिखे हैं जिन्होंने 10 किया 12 किया ग्रेजुएट हैं पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं, उनको आप अपने यहाँ नौकरियाँ दीजिए, उनको आप जॉब दीजिए। वजह इसकी ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और उनके साथ काम करने वालों का यही एक पैगाम है कि इस मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ भी हो सके, जिस पैमाने पर हो सके, न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि हिंदुओं की, सिखों की, दलितों की, तमाम लोगों की मदद की जाए और जो तरीका भी हो सकता है उससे किया जाए। ये जॉब मेला ये उसी तरीके में से एक तरीका है, एक सिस्टम है जिसको फॉलो किया गया और यहाँ पर कई दर्जन कंपनियाँ आई थी जिन्होंने कई हज़ार फॉर्म भरे हैं और बिल्कुल जॉब मेला ये फ्री था, फ्री एंट्री है, फ्री हर चीज़ है। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि फ्री प्रोवाइड करना हर चीज़ उन लोगों के रहने आने का बंदोबस्त करना, खाने पीने का बंदोबस्त करना, जो लोग यहाँ आ रहे हैं जो कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं उनके लिए तमाम सहूलतें फराहम करना, ये बहुत बड़ा काम होता है। ये मजलिस के सदर जनाब रईस लश्करिया साहब ने किया है। मैं समझता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम और भी होते रहने चाहिए मजलिस की तरफ से, उनके जो जिम्मेदारान हैं उन्हें करना चाहिए और सबसे अच्छा इंसान वो है जो दूसरों के काम आए।
या हमारी इस्लाम शरीयत के अंदर भी ये बात कहा गया है कि खैरुन्नास मन यनफउन्नास, कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के काम आए, और ये लोगों के काम आने का एक तरीका है। मैं समझता हूँ कि इससे लोगों ने फ़ायदा उठाया होगा, और जो कंपनियाँ बायोडाटा कलेक्ट करके ले गई हैं वो हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, सबको वो जॉब देने की कोशिश करेंगी। और भी ऐसे आने वाले वक्त में जॉब मेले लगाए जाएंगे, ऐसे कंपनियों को दावत दी जाएगी, और स्टूडेंट्स जो अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं है, उनको जॉब फराहम करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुंबई के सदर जनाब रईस लश्करिया साहब ने आज ये जॉब मेला मुनक्किद किया है, जिसको बहुत ज़ोरों शोरों से यहाँ पे काम भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम से देखो बहुत सारे बच्चे भी आए, पूरे बॉम्बे से बच्चे आए, बच्चियाँ भी आए, और मेरे क्षेत्र मलाड विधानसभा से भी बहुत सारे बच्चे आए, और उनकी दुआएं साथ में है, क्योंकि देखो उनको ऐसे दौर में काम, जहाँ पे मार्केट में मंदी है फिलहाल फिल वक्त में, और सभी पार्टी अपने इलेक्शन के हवा में लगी है, तो हमारी पार्टी जो है बच्चों को काम देने का काम करी है, बहुत बड़ा काम है। मैं अपने सदर को सल्यूट करता हूँ, रईस लश्करिया साहब को, और आने वाले दिनों में इसी तरह से काम करेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह आवाज़ आएगी। मैं हमारे मजलिस के सदर जनाब रईस लश्करिया साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जो ये उन्होंने आज 15 अक्टूबर के दिन काबिले तारीफ जॉब फेयर का एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, और ये प्रोग्राम कामयाब रहा। मैं उन सभी बच्चे बच्चियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर जो जॉब आपको मिला है, ये जॉब लेकर आप आगे इस देश का नाम रोशन करिए, यही हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से। और आने वाले वक्त में इसी तरह कई जगहों पर हमारा ये जॉब फेयर मेला चलेगा, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि हमारे मुंबई के सदर जनाब रईस लश्करिया साहब को अल्लाह ताला ताकत दे, हिम्मत दे, और इस तरीके का काम करने के लिए समाज में एक आज जॉब मेला के वजह से कई लोगों के घर में खुशियाँ और एक बहार आई होगी। इसी तरह हमारे मुंबई के सदर जनाब रईस लश्करिया साहब लोगों के हित में खुशियाँ और बाहर लाने का काम करते हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जितनी भी यहाँ पे 80 से ज़ायद कंपनी आई हैं, उन सभी कंपनियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों का यहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है ये जॉब फेयर जो लगा हुआ है उसको यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, और आप लोगों ने दिखाने का काम किया, क्योंकि सोशल मीडिया के तहत और मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा जा सकता है। तो पिछले 5 दिन से कंटिन्यू जो है आप लोगों ने इसको अपने चैनल पे चलाया और लोगों तक मैसेज पहुंचाए, और आपकी वजह से यहां पर जो इतनी भीड़ लगी हुई है। और हम अपने मुंबई अध्यक्ष जो रईस भाई है, उन्होंने एक मिशन ले कर चला है कि रोटी कपड़ा और मकान, तो हम लोगों को जो भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम होगी वो स्कीम के तहत लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे। जब रोज़गार मिलेगा तो लोग रोज़गार होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेरोज़गारी कम होगी अपने लोगों के बीच में। तो ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे मुंबई प्रेसिडेंट ने लिया है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं इसी तरीके का इनिशिएटिव पूरे मुंबई में ज़िले से लेकर तालुका लेवल तक लेने का काम करेंगे। और बहुत अच्छा कार्य है कि लोगों को सबसे पहले जो ज़रूरत की चीज़ है वो यही है कि आदमी जो है 10th पास करने के बाद में, 12th पास करने के बाद में, ग्रेजुएशन करने के बाद में भी उसको जॉब नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये देखने को मिली कि अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो रहे हैं तो आपको तापड़तोड़ अपॉइंटमेंट भी मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर किसी को एक जॉब की ज़रूरत होती है तो वो 10 कंपनी में अप्लाई करता है, और फिर 10 जगह पे जा जाके वो आप इंटरव्यू देता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर 10 कंपनी और एक ही जगह पे आपका सिलेक्शन हो जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम मुंबई प्रेसिडेंट का और जितने लोग यहाँ पर ये जॉब फेयर में शामिल हुए और जितने लोगों ने साथ दिया है, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से। आज ये जो जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया है हमारा मुंबई अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब, उनको हमारा टीम के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सिटिंग MLA है वो भी आज का दिन में ये काम करता नहीं है, पर हमारा जो मुंबई अध्यक्ष है आज जो सिटिंग MLA भी नहीं कर पाता वैसा काम आज कर रहा है पब्लिक के लिए, लड़के जो भी बच्चों के लिए जॉब के लिए आज का जो अरेंजमेंट किया है
आज हर इंसान अपना मतलब सेल्फिश का काम करता है, आज पब्लिकली इतना सेवा कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे उनको कामयाब होने चाहिए और जोगेश्वरी का पब्लिक के लिए और भी बहुत सारा काम करने चाहिए। मैं उनको मेरे सुख तय दिल से धन्यवाद देने चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो हमारे मुंबई के सदर है जनाब रईस लश्करिया साहब, जिन्होंने आज ये जोगेश्वरी के किलादार ग्राउंड में जो है ये जॉब मेले को मुनक्किद किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हज़ारों की तादाद में जो है वो यंग जनरेशन जो है हमारे जो युवा बच्चे हैं यहाँ पर आए, इस जॉब मेले में आए और उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रही कि आज जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो बच्चे लोग डिग्री लेके अपने घरों में बैठे हुए जो परेशान हाल है ये इस वक्त उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो है वो हमारे सदर साहब की तरफ से ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खिदमत की जाएगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मुंबई सदर रईस लश्करिया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया और आज उन बच्चों को भी मुबारकबाद दी जाएगी जिनका आज का सिलेक्शन हुआ है जॉब के लिए। ये प्रोग्राम अपनी नौयत का इसलिए अहमियत का हामिल है कि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं और बच्चे जो है डिग्रियां ले लेके घर पे बैठे हुए हैं, उनका काम नहीं होता है, जॉब नहीं मिलता, तो ये एक प्लेटफॉर्म रईस लश्करिया साहब ने प्रोवाइड किया जहाँ पे लोगों को जॉब आसानी से मिल सके। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों को जॉब मिला भी है, काफ़ी लोग आए भी इंटरव्यू के लिए। मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा और एक बार फिर रईस लश्करिया साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद किया और मुस्तकबिल में ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे मुंबई में करती रहेगी। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अतीक खान। सबसे पहले जनाब रईस लश्करिया साहब मजलिस के जो सदर है मुंबई के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग सरकार में 2 करोड़ हर साल नौकरियां देने का वादा करके आए थे वो भूल गए और वो हिंदू मुस्लिम का जो खेल रच रहे हैं उसके अंदर आज बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है और आज देश की सबसे बड़ी समस्या जो है वो बेरोज़गारी बन गई है, जिस वजह से यूथ जो है अनचैनलाइज हो गया और यहाँ वहाँ और क्राइम में इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो सरकार का ये वादा था कि 2 करोड़ नौकरियाँ हम लेकर आएंगे हर साल, वो अगर विफल हो रही है, फेल हो रही है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो मुंबई के सदर है उन्होंने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया और मैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। यहाँ पर तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोगों की जो है नौकरियाँ यहाँ पर लगी हैं, उनको सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, यहाँ जितनी कंपनियाँ हैं उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते रहेगी। जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा सरकार ने किया है जहाँ पर सरकार फेल हो गई है, वो मजलिस करने का काम करेगी और मानकुर शिवाजी नगर असेंबली के अंदर मैं वहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ के बाद वहाँ पर मैं एक जॉब मेला लेने की कोशिश करूँगा और अब ये पूरे मुंबई के अंदर जॉब मेला जो है लगना शुरू होगा MIM के बैनर तले। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।